की खबर से, जहां पर सनके इंस्पेक्टर ने अपनी पत्नी, दोस्त और दोस्त की मां को गोली मार दी। गंभीर हालत में तीनों को टीएमएच में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान दोस्त की मां की मौत हो गई, जबकि पत्नी और दोस्त की हालत गंभीर है। तीन लोगों को गोली मारने के बाद सनके इंस्पेक्टर अपने बेटे को गोली मारने के लिए बिष्टुपुर स्थित डीएवी स्कूल पहुंच गया, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता से बच्चा सुरक्षित है। पूरा स्कूल परिसर छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने सनके इंस्पेक्टर के बेटे को अपने कब्जे में ले लिया। आरोपी चाईबासा में इंस्पेक्टर के पद पर था, लेकिन कुछ दिन पहले उसे सस्पेंड कर दिया गया था। बताया जाता है कि मनोज गुप्ता और उसकी पत्नी में पिछले 10 साल से विवाद चल रहा था। उसका दोस्त और उसकी मां दोनों के बीच समझौता कराने आए थे, इसी दौरान बात बिगड़ी और मनोज ने तीनों लोगों को गोली मार दी। खबर है कि मनोज गुप्ता का किसी पुलिस वाले की पत्नी के साथ अवैध संबंध था, इसे लेकर ही उसकी पत्नी अलग रह रही थी। ये व्यक्ति अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इस घटना को अंजाम दिया है और इस घटना के बाद से फरार है। हम लोगों ने टीम लगाई है, ये जल्दी ही पकड़े जाएंगे। घटना का मूल कारण एक्चुअली इनका लंबा 15-20 साल से पारिवारिक विवाद है और लगातार घटना झगड़ा की इन लोगों के बीच में होती रहती थी और इस घटना की चश्मदीद गवाह इनकी बेटी है। वो अपने घर में गोली चलाए हैं जिसमें एक आदमी मर गया है और दो लोग घायल हुए हैं जो कि हॉस्पिटल गए हुए हैं। जो मरी है वो कोई महिला है, उनका कोई रिलेटिव है, वो उनकी पत्नी और एक और पुरुष है जो कि पता नहीं, हम लोगों को जानकारी नहीं उनका कोई रिलेटिव। वहीं इसी खबर पर मनोज गुप्ता की बेटी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि पिता उसकी मां को जानवरों की तरह पीटता था। पिता के आतंक से मां, भाई और बहन शहर छोड़ने को मजबूर हो गए। दो दिन पहले भी इनकी सनके इंस्पेक्टर ने अपने बेटे और बेटी पर पिस्टल तान दिया था, लेकिन गोली नहीं चलाई थी। मनोज गुप्ता की पत्नी पति के खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराने भी गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन मुंह बोले भाई चंदन के दबाव में एफआईआर दर्ज किया गया था और उसके बाद डीएसपी ने समझौते के लिए बुलाया था। आज चंदन अपनी मां को लेकर समझौता कराने पहुंचा था, इसी दौरान सनके इंस्पेक्टर ने पिस्टल निकालकर तीनों को गोली मार दी। बेटी ने भी सवाल उठाया है कि आखिर जब पिता सस्पेंड थे तो उनके पास सर्विस रिवॉल्वर कैसे आया। डीएसपी या डीएसपी के लीडर को मम्मी हमको परसों बोली थी, वो लोग बोले सस्पेंड है, सस्पेंड थे तो रिवॉल्वर क्यों है उनके पास, और अंकल दो दिन पहले भी वो निकाले थे, भाई और नानी को डरा रहे थे। अच्छा पहले भी निकाले थे? दो दिन पहले भी निकालते हैं, हर बार करते रिवॉल्वर निकालते हैं उनके पास रहता है तो। वो बहुत बार घर पे छोड़ के जाते हैं, अपने जॉब पे जहाँ ड्यूटी जाते हैं लेके जाते हैं, यहाँ से अपने अलमीरा में लेके जाते हैं और चाबी इसलिए लेके जाते हैं उसका। वहीं जमशेदपुर में इंस्पेक्टर के खूनी खेल पर मंत्री सरयू राय ने चिंता व्यक्त की है। मंत्री ने कहा कि घटना चिंताजनक है। एक सनके इंस्पेक्टर ने सबको हिलाकर रख दिया है और एक सनके इंस्पेक्टर ने अपने ही पत्नी के साथ, अपने पत्नी के साथ उन्होंने पत्नी, दोस्त और दोस्त की मां को भी गोली से मार डाला। हालांकि जिसमें एक जो दोस्त की मां थी वो उनकी मौत हो गई है और पत्नी साथ ही दोस्त जो है वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। कानून का दृष्टिकोण है उसके हिसाब से लौट